हेलो दोस्तों, ये हमारे हरियाणा का नंबर वन स्टेडियम है जो कि पंचकुला में स्थित है। मैं आपको आज पूरा स्टेडियम इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, ये हमारे हरियाणा का नंबर वन स्टेडियम है जो कि पंचकुला में स्थित है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ये सेक्टर 3 में है पंचकुला में। मैं आपको आज पूरा स्टेडियम इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कौन सा ग्राउंड किस साइड है। स्टेडियम की लुक देख सकते हो आप। ये नंबर वन गेट है, नंबर वन गेट से एंट्री कर रहे हैं हम, नंबर एक गेट से। ये देखिए, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं। ये हमारे हरियाणा का नंबर वन स्टेडियम है, सभी गेम यहीं पर होते हैं। जो खिलाड़ी है वो यहाँ ज़रूर आए भी गा और आया भी होगा। ये ताऊ देवीलाल की मूर्ति, ये मूर्ति 2003 को संपन्न हुआ था यहाँ। ये देखिए, नंबर एक पर बैडमिंटन देख ले, यहाँ हॉकी का भी है, क्रिकेट का भी है, जलपान पार्किंग सब। मैं आपको सब ग्राउंड दिखाने वाला हूँ आज, ताकि आप यहाँ आओ कभी खेलने के लिए तो आपको सीधा ही अपने ही ग्राउंड में पहुंच जाए। देखो, उसके अंदर मेडल ही मेडल रखी होती है हेड ऑफिस हमारा। अब मैं आप ये देखो, ये ग्राउंड ये छोटे बच्चों का ट्रैक है रनिंग का। देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया बनाया है। यहाँ देखें, 2 नंबर पे हॉकी स्टेडियम, अभ्यास का मैदान है जहाँ पर हम अभ्यास करते हैं। ये देखिए जी, हॉकी का ग्राउंड, तिरंगा झंडा बना रखे है यहाँ पर कुर्सियों पे ही।
जो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी ग्राउंड, हमारे हरियाणा का नंबर वन स्टेडियम है ये। देखो जी, मैं ना ओकी वाला मैदान, नाइट को भी आ गया मैं यहाँ। यहाँ शाम के टाइम खेलते हैं बच्चे। पहले मैंने बनाई थी वीडियो, उस टाइम यहाँ कोई भी नहीं था मैदान में। शाम के टाइम ही आते हैं बच्चे खेलने के लिए। ये अपन स्कूला का स्टेडियम, ये वीडियो मेरे पास में है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। एथलेटिक ग्राउंड है। अब मैं आपको दोनों ग्राउंड दिखाने जा रहा हूँ। देखिए हर खिलाड़ी की अपनी एक इच्छा होती है कि हम यहाँ तक पहुँचे। हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। ये लॉन्ग जंप का, और ये हमारा ट्रैक रनिंग का, फुटबॉल का भी ग्राउंड है साथ में ही बीच में, और ये हाई लॉन्ग जंप के लिए। ये रनिंग वाला ट्रैक है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। रात के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में भी। चार नंबर में ये देखिए, हम आ गए यहाँ चार नंबर में। यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है। चलो चार नंबर की तरफ। इतना बड़ा हॉल बना रखा है। ये बास्केटबॉल कोर्ट है। ये चार नंबर है। ये जी
बास्केटबॉल का। ये देख ले क्या लिखा है, बास्केट। के बाद ये वॉलीबॉल कोर्ट है, कितना शानदार बनाया हुआ है। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब गेम होंगे तब लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि अंदर से देखने में कैसा लगता है। और ये देखिए इंडोर बॉक्सिंग कोर्ट है, आड़े के सही बन गया ना। आजा, ये 5 नंबर में आ गए हम। 5 नंबर का बोर्ड यहाँ लगा है। यहाँ हमारे कुश्ती प्लेयर आए होंगे, उन्हें देखा होगा यहाँ कुश्तियाँ हुई थी पहले। यह हॉल खुला भी है। देखिए यहाँ कुश्ती हुई थी। कितना अच्छा बनाया हुआ है। जो कुश्ती प्लेयर आए होंगे उनको अच्छी तरह पता भी होगा कि ये यहाँ पर कुश्ती हुई थी। ये जी 6 नंबर, इसमें क्रिकेट ग्राउंड है, अभ्यास पिच है, पार्किंग है और दो सामने टेनिस का और उसका ग्राउंड के पास पहुंच चुके हैं। शाम के टाइम पार्किंग है। ये क्रिकेट ग्राउंड के पास बूथ भी है अमूल का। ये क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर ये एंट्री गेट है क्रिकेट ग्राउंड का। पिच भी देख सकते हैं आप और कितनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं। ग्राउंड है यहाँ पर, दो चार दिन में गेम होते रहते हैं। मैं भी मैच देखने का काफ़ी शौकीन हूँ। आगे कभी मैच हुआ तो आपको वीडियो बना के डाल दूँगा।
आप भी पंचकुला में आएं, देखें यहाँ कोई टिकट वगैरह नहीं लगती है, सरकारी है। यहाँ कोई बच्चा गेम करना चाहता हो, खेलना चाहता हो, सीखना चाहता हो, बिल्कुल फ्री है, फुल सपोर्ट किया जाता है। यहाँ गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, यहाँ किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ अच्छे कोच हैं, शिक्षक बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पर, सबसे बहुत प्यार से बातें करते हैं, अच्छा सिखाते हैं, मेडल दिलाते हैं। अच्छा खेलोगे तो मेडल भी आएंगे ना, आपने देखा होगा वीडियो में, हमारे इंडिया की शान है, जो भी खिलाड़ी उनके मेडल के साथ फ़ोटो हैं, कितनी इज्जत दी गई है उन्हें। ये अपना क्रिकेट ग्राउंड और साथ में यहाँ पार्क भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। ये देखो कितना बड़ा स्टेडियम है, ये हरियाणा का नंबर वन स्टेडियम है। इसी के साथ मेरी सभी को राम राम, जय हिंद। अगर मेरी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।